वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वेषु सर्वदा। श्री गणेश के शुभ प्रारंभ पर स्टार प्लस के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब पूरे जगत में एक वैश्विक महामारी फैली है और सभी लोग इस वैश्विक महामारी से त्रस्त हैं, तो हमें उस प्रभु को याद करना चाहिए जो सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं और हर पर अपनी ही कृपा बिखेर देते हैं। वो है हमारे श्री गणेश। तो आज की इस कठिन विषम परिस्थिति में मैं इतना ही अपने प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करूंगा, भगवान गणेश के सम्मुख प्रार्थना करूंगा, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्टार प्लस के श्री गणेश के शुभ प्रारंभ पर आप सब पर भगवान गणेश की सदा ही कृपा बनी रहे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भगवान गणेश जो अग्र पूजा के अधिकारी हैं, यानी कि सबसे प्रथम पूजा श्री गणेश की ही जाती है, और आज के जिस कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, उस कठिन दौर में, विषम परिस्थितियों में, भगवान श्री गणेश का आगमन हमारे मध्य स्टार प्लस के द्वारा हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि श्री गणेश जो हमारा धारावाहिक है, हमारा जो सीरियल है, वो स्टार प्लस पर 2 जून से दिखाया जाने वाला है। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। हर शाम 6:30 से 7:30 तक। सच बात तो यह है कि इस सीरियल को बनाने में हमें, यानी कि हमारी कंपनी क्रिएटिव एंड लिमिटेड को, जितना परिश्रम करना पड़ा वो मैं और मेरी टीम ही जानते हैं। एक दिन की बात है कि मैं अपनी पत्नी जुबी कोचर के साथ बैठा हुआ था, तो जुबी ने मुझसे कहा कि भाई हम क्यों ना भगवान गणेश के ऊपर कुछ काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान के दर्शकों को और बाहर के दर्शकों को भी भगवान गणेश के बारे में बहुत ही जानने की उत्सुकता है। तो मैंने कहा ठीक है। कहना तो बहुत आसान था, लेकिन जब उसके बाद मेहनत शुरू हुई, काम शुरू हुआ, तो पूरे 2.5 साल लग गए और एक रिसर्च हमारी कंप्लीट हुई। अब इस रिसर्च में हमारे साथ, मुझे आज तक याद है अच्छी तरह से, गुजरात में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है, प्रोफेसर मधुसूदन पाठक उस जमाने में वहाँ पर थे, आज अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है वो, उनका हमने सहयोग लिया और जितने भी धार्मिक धारावाहिक जो थे, जिन पर हम काम कर रहे थे, सब कार्यक्रमों में हमने उनको साथ जोड़ लिया। फिर कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। निर्माण कार्य श्री गणेश का शुरू तो हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हमारी रिसर्च वर्क कंप्लीट होने के साथ साथ, कहानी बनने के साथ, स्क्रिप्ट एंड डायलॉग बनने के साथ, एक सबसे बड़ी हमारी जो समस्या थी वो थी स्टार कास्ट, यानी कि हम कास्टिंग को कैसे चुनें। अब भगवान गणेश के किरदार को हम एक नए ढंग से पेश करना चाहते थे, यानी कि हमारी रिसर्च ने हमें कहा कि हमें भगवान गणेश को शुरुआत में एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में दिखाना चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी, जिसे आप आज अच्छे खासे एक स्वास्तिक के निशान के रूप में जानते हैं, उस स्वास्तिक के रूप में हमें दिखाना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी विवेक नहीं कि यह समझ सको कि इस परम पावन कैलाश की शांति को भंग करना भयंकर अपराध है? और हमें इस रिसर्च से ये पता चला कि ये स्वास्तिक की जो कॉस्मिक एनर्जी थी, यही एक महागणेश के नाम से भी जानी जाती थी,
यानी कि एक जिनके कई हाथ हैं और उनके हर हाथ में उनकी शक्तियां हैं, शस्त्र और अस्त्र हैं, इस रूप से जानी जाती थी। मुझ महागणेश में रचना शक्ति के जो अंश विद्यमान हैं, व्यापी की शक्ति के तत्व से प्राप्त हुए हैं। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग इन माइंड, वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एन एक्टर, बिकॉज उस वक्त में एक्टर जो चाहिए था वो कम से कम भी 26-27 साल की उम्र का एक्टर चाहिए था, जो आर्टिस्ट भी अच्छा हो, परफॉर्म भी करे और जिसमें पेशेंस भी हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, गेटअप के अंदर, मेकअप के अंदर। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोगों ने कम से कम भी 250-300 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से उन सबसे मुलाकातें करी और उसके बाद जाके हमने एक एक्टर को चुना गणेश का किरदार निभाने के लिए, जिसका नाम था जगेश मुकाती। हे शक्ति स्वरूपनी माता सती, आप तो जगत की माता जगदम्बा हैं। मैंने आपको वचन दिया है कि आपके अगले अवतार में मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण कर आपके संस्कारों द्वारा अपनी सार्थकता सिद्ध करूंगा। अब जगेश मुकाती के बाद जो हमारे अहम किरदार थे उसके अंदर हमें छोटा गणेश भी चाहिए था, क्योंकि जब माँ पार्वती ने अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा उसी कॉस्मिक एनर्जी को रिक्रिएट किया एक बालक के रूप में, जब उन्होंने अपनी शक्तियों से मिट्टी के रूप में एक छोटे से गणेश का पुतला बनाया और उसी रिक्रिएशन को, उसी ऊर्जा को दोबारा ही अपनी ऊर्जा में सम्मिलित करते हुए उन्होंने एक बालक गणेश का रूप दिया। उसके लिए हमने जब ढूंढा तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स आए, सब कुछ आए, मोटे, गोल गोल, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना कि कौन सा ऐसा लड़का हो सकता था जो मेहनत भी करे, पेशेंस भी हो और जिसमें संयम हो, संयम कुछ ले, क्योंकि श्री गणेश का मेकअप करने में बहुत टाइम लगता था। जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी सन 2000 में इतनी एडवांस नहीं थी कि हम उसे कुछ रोटेट करके या 360 डिग्रीज स्पेशल इफेक्ट्स के द्वारा उसकी सूंड को घुमा सकते थे। तो हमने चयन किया विशाल ललवानी का। विशाल मुझे याद है अच्छी तरह से, हार्डली 8-9 इयर्स यंग बॉय ही वाज, लेकिन उसमें ये था कि नहीं अंकल, मैं करूँगा और बड़ी मेहनत से करूँगा। दंड नहीं, हाथ में दंड है। माता ने कहा था कि ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। तो वाकई विशाल ने भी जो मेहनत करी और अपना पेशेंस रखा वो काबिले तारीफ था। इसके बाद दूसरे किरदार हमारे सामने नजर आए, यानी कि भगवान शिव, सुनील शर्मा को लिया। परम शिव भक्त जमदग्नि पुत्र राम, हम तुम्हारी तपस्या और शिव आराधना से प्रसन्न होकर तुम्हें यह अपराजेय परशु। माँ पार्वती, प्रियंका जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे अपने एक हमसे मुलाकात करने से पहले, उसको पार्वती के रूप में लिया। नहीं नहीं स्वामी, वास्तव में ये लीला परम देव श्री महागणेश की ही है जिसमें हम सभी पात्र बन गए। और इसी तरह से हमने जितने हमारे बाकी के किरदार थे, तारकासुर के अंदर निमय बाली, बहुत ही अच्छा एक एक्टर, कठिन, असंभव उसका चयन किया, गजेंद्र चौहान को लिया। उसके साथ साथ बहुत सारे अनगिनत एक्टर आए जो हमारे साथ श्री गणेश में जुड़ते चले गए। इन सभी कलाकारों ने अपना योगदान श्री गणेश में बहुत बखूबी दिया। सवाल ये है कि उस फिल्म का मैं डायरेक्टर था तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। जिम्मेदारियां ये थी कि मैं रिसर्च भी करूं, अपनी राइटिंग टीम के साथ भी बैठूं और अपनी राइटिंग टीम के साथ हर चीज़ का अध्ययन करूं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि
कंटेंट के साथ अगर हम नाइंसाफी करते हैं, अपनी रिसर्च के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए हमने गणेश पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, वेद, उपनिषद, ऋचाज, इन सब का एक गहरा अध्ययन किया और काफ़ी समय भी इसके अंदर लगा। और तब जाके हमने देश की जनता के सामने और विदेशों में रहने वाले लोगों के सामने श्री गणेश का प्रस्तुतिकरण किया। गजानन श्री गणेश की, गजमुख श्री गणेश की, गजानन गौरीपुत्र गणेश की, गजानन गौरीपुत्र गणेश की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सबकी मेहनत थी। मेरी पत्नी जो इस सीरियल की प्रोड्यूसर है, जूबी कोचर, एज ए डायरेक्टर माई सेल्फ, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर रत्नाकर फड़के साहब, बहुत ही बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर थे, बहुत ही मन से काम किया करते थे। उनके एक एक शर्ट्स के अंदर उनकी मेहनत दिखाई देती थी। कार्विंग्स की बात कह लीजिए, या गुफा की बात कह लीजिए, या पैलेस की बात कह लीजिए, यानी कि अगर गुफा के अंदर भी एक क्रिएट करना कि ऊपर से पानी बह रहा है और माँ पार्वती उसके अंदर स्नान कर रही हैं, तो उसको एक रियल टाइम क्रिएट करना, ये रत्नाकर फड़के साहब बहुत बखूबी जानते थे और बहुत मेहनत से करते थे। तुम लोगों ने कैलाश आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। उस जमाने में ग्राफिक्स एंड एनिमेशन थे, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होती थी कि हम हर चीज को ग्राफिक एंड एनिमेशन में करें। इसलिए लाइव शूटिंग में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को करते थे और उसका रिजल्ट जो है स्क्रीन पे बहुत अच्छा आता था। और आप चाहें तो हम आपको एक सीन दिखा सकते हैं कि जहाँ माँ पार्वती जो हैं इस वक्त स्नान कर रही हैं और ऊपर से पानी बह रहा है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल एंड वेरी ब्यूटीफुली पिक्चराइज बाय द कैमरामैन। वो एक ज़माना था कि जहाँ पर अगर आप एक डायरेक्टर हैं तो अपने होमवर्क को आप घर से ही करके चलते थे। सेट पे जाते थे तो आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो सेट पे जाते थे, कोई बहुत लंबी चौड़ी हमारे यहाँ पर कोई वैनिटी वैन्स और अटेंडेंट्स और ये परना फरनली ये सब कुछ नहीं होता था। आए हम जैसे ही फिल्म सिटी में गए, तो फिल्म सिटी में ठीक है कि एक हमने चादर सी टांग ली और एक ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल आर्टिस्ट के लिए एक थोड़ा सा जगह बना दी। तो इन सब चीज़ों को, कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए भी मैं समझता हूँ कि श्री गणेश का निर्माण बहुत ही खूबसूरत ढंग से हुआ और जिसने अपनी एक मिसाल कायम की। और यही कारण है कि श्री गणेश आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कई बाहर के मुल्कों में भी सब टाइटल होके बड़ी ही बुलंदी के साथ चल रहा है। अब मैं उन लोगों के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा जो आमतौर पे स्क्रीन पे तो आप लोग देखते ही नहीं हैं, मगर पर्दे के पीछे रहकर उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि हमारे जो सेट वर्कर्स होते हैं, हमारे लाइटमैन, हमारे स्पॉट बॉयज, हमारे कारपेंटर्स, हमारे असिस्टेंट डिज़ाइनर्स, आर्ट डायरेक्टर साहब के असिस्टेंट्स, आर्ट डायरेक्टर खुद, तो ये लोग सभी लोग ऐसे भक्तिमय भाव से श्री गणेश के साथ जुड़े थे जो बहुत काबिले तारीफ है। अब मैंने और मेरी पत्नी ने यह निश्चय किया कि भाई देखो, हम क्योंकि भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, तो आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि कोई भी आदमी सेट के ऊपर सिगरेट नहीं पिएगा। सभी ने एक सुर में कहा, बिल्कुल, हम श्री गणेश का कार्य करने जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही पवित्र कार्य है, सिर्फ ये नॉर्मल सीरियल मेकिंग नहीं है। किसी इंसान ने बिगनिंग टिल एंड सेट के ऊपर कभी सिगरेट नहीं पी। श्री गणेश सीरियल का निर्माण हम सबके लिए कुछ इस तरह से था कि जिस तरह से इंसान यज्ञ में आहुतियां डालता है, भगवान की अर्चना आराधना करता है, पूजा करता है, प्रभु को याद करते हैं, उसी तरह से हम सब लोग जो श्री गणेश से जुड़े हुए थे अपनी अपनी कला की आहुतियाँ श्री गणेश को अर्पण कर रहे थे। लेट्स कम टू 2020 एंड करंट टाइम।
हमारी जो कंपनी है क्रिएटिव आई लिमिटेड, उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी पत्नी है जूबी कोचर, मेरे पार्टनर सुनील गुप्ता, उसके साथ साथ मेरी हेड ऑफ आइडिएशन टेलीविजन एंड फिल्म्स की संध्या रियाज, मेरे जो एंटायर प्रोजेक्ट्स के जो हेड हैं असगर अली शेख राजन, मेरे चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट संत कुमार, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी जब हम किसी भी सीरियल का निर्माण करते हैं, भले वो हम माइथोलॉजिकल का कर रहे हों या भले हम सोशल का कर रहे हों, तो सभी लोग एकजुट होकर अपना कार्य करते हैं। ऑफ कोर्स नो डाउट हमारे यहाँ पर यंग टीम है, प्रोफेशनल्स की, राइटर्स की टीम है, साथ साथ हमारे टेक्नीशियंस की टीम है, उनका काम तो होता ही होता है, लेकिन जो क्रिएटिव आई लिमिटेड के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, उनका काम भी जो होता है ना, बहुत बखूबी होता है। आज जो श्री गणेश दोबारा टेलीकास्ट हो रहा है, तो हर आदमी आज की स्थिति में, कोविड 19 की स्थिति में भी, अपने घर पर बैठकर 24 घंटे किस तरह का कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए, सब बातों में लगा हुआ है। तो आज मैं अपने इन लोगों के बारे में भी कहना चाहूँगा जिनका मैंने नाम लिया है, कि ये लोग लाइक सुनील गुप्ता, लाइक संध्या रियाज, लाइक माई वाइफ सूबी कोचर, संत कुमार, असगर अली और राजन और बाकी जितने भी लोग हैं, ये लोग काबिल तारीफ़ हैं। इन लोगों का योगदान भी क्रिएटिव आई में भी है, और श्री गणेश को दोबारा स्टार प्लस पर लाने में और अपनी पूरी मेहनत मेरे साथ इन लोगों ने की है, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा दर्शकों, हमसे श्री गणेश का निर्माण करने में कहीं कोई भी त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से त्रुटियां होती ही होती हैं, मगर हमारा जो प्रयत्न है उसमें एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को मद्देनज़र रखते हुए आप सब लोग श्री गणेश का आशीर्वाद लेंगे। विघ्नहर्ता हैं, विघ्नों का नाश करने वाले हैं, सुख करता है, सुख देने वाले हैं, तो उसी श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम गण गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः।